एक दिन के अंदर भी आप दुबई के अंदर हो सकते हो, लेकिन वो कैसे हो गए वो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप फ्री में दुबई के अंदर जॉब पा सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी देख रहे हो और आप प्लान कर रहे हो दुबई जाने का, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्री में आप दुबई कैसे जा सकते हो और जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। गाइस आप में से काफी लोगों ने मुझे मेरे पुराने चैनल पर देखा होगा, विपिन गुजरा। ये मेरा नया चैनल है, विपिन गुजरा 2.0। अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा, क्योंकि मैं कुवैत में 5 साल रहा हूँ और बहरीन में 6 महीने रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया है किस तरीके से, कहाँ से, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको वादा करता हूँ, आप सभी लोग हैं जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना, मेरे को सिर्फ 3 से 4 महीने दे दो। वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाली वीडियोज में आपको पता लगता रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। जो भी आपके सपने हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर पाओगे, तो मेरी वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखना। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत हो गया आपने इधर उधर 10 वीडियोज़ देख ली होंगी, लेकिन मैं आप बिल्कुल आप आ जाए सही वीडियोज़ पे। मेरी वीडियोज़ को देखो, जैसा मैं आपको बताऊँगा ना, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, खाली पेपर पर लिख के दे रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखोगे ना तो 3 से 4 महीने के अंदर कुवैत, दुबई, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो आप जाओगे। रास्ता मैं दिखाऊंगा आपको, चलना आपका काम है कि आप मेरी वीडियोस को देख के चलना चाहते हो या किसी और की वीडियोस को देखना देख के चलना चाहते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई फ्री जॉब्स इन दुबई के बारे में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। सो उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बना रखी है कुवैत से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोज लेके आने वाला हूँ हर कंट्री से रिलेटेड, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो चैनल स्टार्ट किया है, 5-7 दिन हुए। अगर आपको कुवैत से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए तो कुवैत से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो आ जाएगी, नहीं तो एक मैंने वीडियो बना रखी है फ्री जॉब इन कुवैत, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, देख लेना जाके, सही है। तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट फ्री जॉब इन दुबई। देखो गाइस, 3 तरीके होते हैं जॉब पाने के, कहीं पर भी आप जॉब अप्लाई करोगे 3 तरीके होते हैं। पहला होता है एजेंट के थ्रू, यानी कंसल्टेंसी, यानी दलाल के थ्रू। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है, मैं खुद उन कंसल्टेंसी यानी एजेंट के थ्रू गया हूँ, वहाँ हूँ। भाई देखो, फ्री में कोई नहीं कुछ करता है, फ्री देखो कोई भी आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है। बोलते ना फ्री में ये फ्री हो, इस दुनिया में आप खुद सोचो यार, फ्री में अगर कोई हर इंसान कुछ भी करने लगेगा तो बात ही क्या रह जाएगी, भाई इंसान कमाएगा भी ना। तो फ्री में कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई से भी ऑफर हो, कुछ भी हो, तो चाहे A to Z, जैसे मैं इसमें भी जॉब के लिए बात करूँ, भाई पैसा तो आपका लगेगा ही ना, फ्लाइट का टिकट है आपका लगेगा ही ना, तो वही चीज़ है, फ्री होता कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और आप कैसे ज़्यादा सैलरी आप कमा सकोगे इस वीडियो के अंदर। आप पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा गाइस। अगर आपने वीडियो देख ली ना, आप, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देख ली ना, आप खुद मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार ये वीडियो मैंने देखी, और ये भैया जो भी, मैं आपका छोटा बड़ा भाई समझ लो, तो आप खुद कहोगे। सारे पॉइंट्स को लिख लेना, पॉइंट्स का ध्यान रखो भाई, और सीधा अप्लाई कर दो। मैं कह रहा हूँ अप्लाई कर दो, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब आराम से होगी। इस प्रोसीजर के थ्रू आप अप्लाई करोगे, जैसे प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 7 दिन लगेंगे आपको दुबई के अंदर होने में, और क्या पता 1 दिन भी लग जाए, 1 दिन के अंदर भी आप दुबई के अंदर हो सकते हो। लेकिन वो कैसे हो गए वो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दुबई हो, कुवैत, सऊदी, मस्कट, ओमान, बहरीन में जॉब अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कंसल्टेंसी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया। तीसरा, दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन वेबसाइट। ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट अपने इंडिया में है, Naukri.com है अपना, हायर है, इंडीड, लिंक्डइन वगैरह, तो ऐसी ही हर कंट्री के लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट होती है। कुवैत जाना तो कुवैत के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, सिर्फ हम दुबई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको आ जाएगी Top 10 ऑनलाइन वेबसाइट फॉर जॉब्स इन दुबई, वहीं यहाँ पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, जाके देख लेना गाइस, ठीक है। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम ज़्यादा नहीं रखते, 30 रखते हैं, आई नो अभी सिर्फ 20-25 सब्सक्राइबर है, जो भी है तो प्लीज़ लाइक करोगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें सजेशन मिल जाएगी, और इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बट कम से कम लाइक करने से ये होगा कि मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करो और जो कुछ पूछना कमेंट करके पूछ लेना। आई नो वीडियो बड़ी हो रही है बट आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप ज़रूर मुझे कहोगे कि हाँ भाई अब हम दुबई जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो दूसरा हो गया ऑनलाइन वेबसाइट, तीसरा तरीका हो गया विजिट वीज़ा पे जाकर। विजिट वीज़ा पे देखो, अब मैं बोलूँगा कि विजिट वीज़ा पे ही आप जाइए, उसमें फ़ायदा क्या है, देखो हर चीज़ का एक फ़ायदा नुकसान होता ही होता कहीं ना कहीं, लेकिन विजिट वीज़ा पे सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे तरीके का जो चीज़ देखे जाने, विजिट वीज़ा पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। देखो हर चीज़ में जहाँ ज़्यादा फ़ायदे होते तो थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ता है,
सब मैं फायदे की ही बात करूँ, नुकसान की बात मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि भाई नुकसान की बात करूँगा तो फिर वही वाली बात होगी कि भाई आप डीमोटिवेट हो जाओ। डीमोटिवेट मुझे आप लोगों को करना ही नहीं, मुझे आप लोग जो भी इधर उधर भटक रहे हो कि जॉब कैसे पाएं, क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी वीडियो आएगी देखते रहना। विजिट वीज़ा आपको निकालना है, कितने महीने का निकालना है, 1 महीने का होता है और 3 महीने का होता है। मैं यही कहूँगा कि 3 महीने का विजिट वीज़ा निकालवा लो, ठीक है, गूगल से खुद निकाल लो। अगर गूगल से अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो, नहीं समझ आ रहा कैसे निकालना है, मुझसे कमेंट कर दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई विजिट वीज़ा कैसे निकलवाना है आपको। ऑनलाइन नहीं आता है वो भी अगर हम नहीं कर सकते कि भैया हम ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, एजेंट के थ्रू किसी एजेंट को पकड़ लो, एजेंट जो मैंने कंसल्ट वो वीडियो बना रखी कंसल्टेंट थी वो बिल्कुल ट्रस्टेड है। मैं खुद 2 बार कुवैत, 1 बार बहरीन गया और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी गए गए, गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है वो कंसल्टेंट जो एजेंट है, सही है। विजिट वीज़ा निकलवा लीजिए एजेंट के थ्रू, नहीं तो ऑनलाइन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत निकल जाता है। तो यार यही कहूँगा कि 3 महीने का विजिट वीज़ा निकलवा लो। अगर आपने अब आपने विजिट वीज़ा निकलवा लिया है, अब आपको सबसे पहले अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जहाँ से भी देख रहे हो, आपको यहीं से ही तैयारी करके चलनी है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। 3 महीना तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक टाइम मिल जाए, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि भाई हमारी जॉब 1 दिन में लगेगी, 2 दिन में, 5 दिन, 10 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, लग अच्छा तो 1 दिन में भी लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब कैसे लग जाएगी, वो ऐसे लग जाएगी, देखो सबसे पहले अगर आप इंडिया में हो, जहाँ पर भी जिस कंट्री से आप देख रहे हो, सबसे पहले गए अपना आपको CV तैयार करना है अच्छे से, CV यानी रिज्यूमे जो जिसे हम बोलते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि भाई दुबई में फ्रेशर को कितनी सैलरी होती है, फ्रेशर कैसे फ्रेशर को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, नहीं तो एक और वीडियो में अच्छे से डिटेल में बना दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। यार मैंने आपसे वादा किया है कि आप जहाँ बोलोगे वहाँ उस कंट्री में होगे, सही है। तो हम बात करते हैं कि भाई अच्छा सा CV यानी रिव्यू में आपको होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आओगे CV किस तरीके से होता है, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई CV का फॉर्मेट ये होता है, उस फॉर्मेट से अप्लाई करोगे ना कोई दिक्कत नहीं होती। और आपकी जो भी CV आप यहाँ से लेके जाओगे ना, तो कम से कम भी 30, 40, 50 फोटो कॉपी तो मैं बोल रहा हूँ अपनी CV की लेके जाना। क्यों मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फोटो कॉपी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो दुबई में रह रहे हैं उनको पता है, अपने इंडिया में तो 1-2 रुपये की मिलती है ना भाई, वहाँ 1-2 रुपये की नहीं है, वहाँ 10-15-20 रुपये के आसपास की फोटो कॉपी मान के चलो। तो इज बेटर भाई, क्यों अपना पैसा वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पर हमारा पैसा और ज़्यादा वैसे ही खराब होना है, क्योंकि हमने विजिट वीज़ा निकलवा लिया अपना। भाई फ्लाइट की टिकट भी जब आप कराओगे ना, फ्लाइट की टिकट आने जाने की फ्लाइट की टिकट आपको करानी पड़ेगी, ये पहली बात सुन लें, नहीं तो अगर एक साइड की आपने कराई दूसरी साइड की नहीं कराई तो आपको वापस ही भेज दिया जाएगा। तो इसलिए दोनों साइड की टिकट करा के जाना, ये हो गया। और CV जो है कम से कम 40-50 में बोलूँगा भाई, कुछ नहीं है अपना कम पैसों में यहाँ पे काम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पैसा है तो भैया वहाँ से करा लें, मैं तो यही बोलूँगा, वो आपको डिसाइड करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि CV आपको यहीं से फोटो कॉपी करा के लेके जानी है, प्लस में जो आपके फोटो है ना पासपोर्ट साइज़ के फोटो भी लगेंगे। तो पासपोर्ट साइज़ के फोटो जो है मैंने वीडियो में बताया था कि दुबई के लिए पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, कुवैत के लिए ब्लू बैकग्राउंड होता है और दुबई के लिए होता है व्हाइट बैकग्राउंड। तो व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो कॉपी कम से कम 50-60 फोटो कॉपी निकलवा लो, क्योंकि वहाँ पे फोटो कॉपी बोल रहा हूँ सॉरी फोटोज निकलवा लेना पासपोर्ट साइज, क्योंकि वहाँ पर फोटोज भी बहुत महंगी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, मैं हर चीज़ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप कभी पैसा बर्बाद हो, ये चीज़ हो गई, सही है। और जाने से पहले पहले कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा दुबई जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ लेके जाएं क्या चीज़ नहीं लेके जाएं, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो वो भी ला जाएंगे। फोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 50-60, CV हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि वहाँ जाने से पहले और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ जाने से पहले पहले गाइस जो भी वहाँ की वेबसाइट्स है ना, जैसे हमारा LinkedIn हो गया, Indeed हो गया, Doobizal हो गया, Indeed नहीं चलती, LinkedIn हो गया, Doobizal हो गया, ऐसी वेबसाइट्स मैं आपको बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टॉप 10 ऑनलाइन वेबसाइट फॉर जॉब्स इन दुबई, उन वेबसाइट्स को खोल लेना और अपना रिज्यूमे वहाँ पे अटैच कर देना, लॉगिन अपनी ID सब क्रिएट कर लेना अपना, वो है बहुत सिंपल सा, जैसे अपना पासबुक फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह बनाते हो तो ऐसे सिंपल सा, बस आपको अपने ईमेल आईडी लॉगिन वगैरह डालना, अपना CV अटैच कर देना, वहाँ पे जिस भी लाइन के आप हो उस अप्लाई करते जाओ। 10-15 दिन मान लो आपके बचे हुए हैं ना दुबई जाने के लिए, जितने दिन भी बचे हुए हैं दुबई जाने के लिए, तो भाई उतने दिन आपको खाली नहीं बैठना, ये नहीं कि हाँ मैं दुबई जाऊंगा, मैं 1 हफ्ते बाद दुबई जा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ इंडिया में, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप देख रहे हो, नहीं मज़े नहीं करने भाई, आपको यहीं 1 हफ्ते में मेहनत करनी है घर बैठ कर, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, जब भी आप अच्छे से जल्दी से जॉब फाइंड आउट कर पाओगे। यहीं से ऑनलाइन वेबसाइट जितनी भी है फाइंड आउट करो, अपनी जो भी लाइन, रेस्टोरेंट मैनेजर हो, क्लीनर, कारपेंटर, जो भी ड्राइविंग के, देखो भाई ड्राइविंग की जॉब गूगल, उन वेबसाइट पर जाओ, ड्राइविंग जॉब डालो तो अपने आप आ जाएगी, अपना रिज्यूम अटैच करो,
तो क्या है, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, तो फिर वो इतनी जल्दी रिप्लाई करते भी नहीं है, वो 4, 5, 7, 6 दिन लग जाते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, जैसे ही उनके पास आपका रिज्यूमे जाएगा, 4, 5, 7, 7 दिन लग जाते हैं, तो फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, वहाँ पर पहुँचते ही आपको एक लोकल नंबर लेना है। लोकल नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप कॉल नहीं चलती है, वहाँ सीधा अपना लोकल कॉल चलते। तो इसलिए आपके पास लोकल नंबर होना ज़रूरी है। और मैं यही एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि अगर आपका कोई यार दोस्त है तो उससे बोलो कि भाई एक नंबर पहले ही प्रोवाइड करा ले। मान लो अगर मेरा कोई जानकार है, मैं एक हफ्ते बाद 10 दिन जा रहा हूँ, तो अभी से ही नंबर प्रोवाइड करा लो, उस CV के अंदर वही नंबर डलवा लो कि हाँ, ताकि कम से कम आपके पास वो तो रहे। उसको बोलो कि अपने दोस्त को भी भाई मेरा नंबर अपने फ़ोन में डाल ले, ताकि कोई मैसेज वैसेज आए जॉब से रिलेटेड तो वो पता लग जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो सब कुछ लिखते रहो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं बिल्कुल दिमाग में वो सारी चीज़ें रख रहा हूँ जो कि अप्लाई आपको करना चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो सारी चीज़ें। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आप वहाँ पे पहुँच चुके, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, एक दिन आप आराम से करो, एक दिन 2 दिन आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंसान सफ़र में थक जाता है, मैं जानता हूँ प्रेशर होता है हर चीज़ का, घबराने की बात नहीं है। जॉब आपकी आराम से एक दिन में लग जाएगी, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जाने के बाद क्या है, अब आपको मान लो अगर आपका रूम का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, कोई यार दोस्त नहीं है, तो कुछ नहीं करना भाई, वहाँ पे आप जाओगे ना तो पहले से आप इंडिया में बैठे बैठे सर्च कर लो कि कहाँ पे सस्ता रूम मिल सकता है आपको, क्योंकि सस्ते सस्ता रूम, देखो पैसा है फिर तो कोई बात ही नहीं, जिसके भाई हम मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो हम क्या यही देखते हैं कि हमारा पैसा बचे जल्दी से और हम जल्दी से जॉब मिले। तो भाई ऐसी जगह ढूंढने जहाँ पे आपका कम रूम का एकोमोडेशन हो, तो लाइक ऐसा लो 10-15 हज़ार रुपये वाला, इससे कम तो मिलने वाला है ही नहीं रूम दुबई के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको, 10-15 हज़ार रुपये एक महीने का मान के चलो। खाना पीना जो है बाहर मत करना, 1-2 दिन बाहर कर लेना, क्योंकि 1-2 दिन टाइम लगता है पूरा यू नो सेटल होने में, तो बस 1-2 दिन आप बाहर कर लेना, उसके बाद रूम पे खाना बनाओ आपका, ताकि कम खर्चा हो। तब जब भी आप इंटरव्यू के लिए गए, जैसे ही आप 1-2 दिन हो गए, तो वहाँ के इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी जॉब ढूंढो, जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं उनमें भी जॉब ढूंढना। प्लस में आप गूगल सर्च कर लो, मान लो क्लीनर जॉब्स इन दुबई ऐसे डालोगे तो और भी सारे बहुत सारे फॉर्मेट्स खुल जाते हैं गूगल पे, इतना तो पता ही है आप लोगों को, वहाँ पे देखो अप्लाई करो। और जब भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो ना, मान लो जिस दिन आप, मान लो कल इंटरव्यू है आपके लिए, तो जहाँ पे आप इंटरव्यू, मान लो कल इंटरव्यू के लिए मान लो आप A to Z कोई भी एरिया, उस एरिया का नाम डाल के देखो, नियर बाई मान लो क्लीनर जॉब्स इन नियर बाई ये प्लेस जुमेरा, तो वहाँ पे आसपास और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो कोशिश करना कि एक दिन पहले, ये मत करना कि एक ही दिन में एक इंटरव्यू दे रहे, नहीं, एक दिन में कम से कम कोशिश करो 3-4 इंटरव्यू दो, सही है, ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो 20-30 किलोमीटर दूर, एक इंटरव्यू दे के फिर वापस घर आ रहे हो, नहीं, ये गलती नहीं करनी, कोशिश यही करना, क्योंकि प्री प्लान आपको पहले से ही करना है सारी चीज़ों का। प्री प्लान करके नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करो कि मान लो जिस भी जहाँ पर भी जा रहे हो, तो वहाँ से पूछ लेना कि भाई आसपास के जो भी, ठीक है, उनसे तो डायरेक्टली नहीं पूछोगे, जो आसपास वर्कर्स होंगे उन लोगों को पता हो भाई, यहाँ पे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर रेस्टोरेंट में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ आसपास वो बता देंगे भाई वहाँ पे और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पे जाके पता करो कि भाई आपको इस पोजीशन में अप्लाई करना है, वेटर में, मैनेजर में, तो सब बता देते भाई, सब लोगों को पता होता है, तो जाके अप्लाई कर लेना। मैं गारंटी कर रहा हूँ सिर्फ एक ही दिन में गाइस, एक ही दिन में आपको दुबई के अंदर आराम से जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, आराम से एक दिन में आपको जॉब मिल जाएगी गाइस, एक दिन में। तो बस आई होप कि मैंने ये वीडियो पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नए हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों के लिए हेल्प हो। आज के लिए इतना, वह टेक केयर, जय हिंद।